हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। लोगों को शायद याद होगा, मैं 7-8 महीना पहले एक डीडीए के वीडियो दिखाया था, जहां पर मैंने हेडलाइन दिया था, दिल्ली की झुग्गियों की नया चेहरा। तो आज मैं आप लोगों को वो नया चेहरा दिखाने के लिए ले जाऊंगा। जिस जगह मैं जाऊंगा वहां पर करीब 300 के करीब झुग्गियों में रहने वाले आदमियों को वहां पर मकान मिला है, और भी कुछ मकान मिलने वाला है। तो वो मकान कैसा है, उसका चारों तरफ का सोसाइटी कैसा है, किस तरह से लगेगा देखने के लिए, तो आज मैं आप लोगों को वो जगह ले जाऊंगा, मकान के अंदर घुसा के देखूंगा उसका एरिया कितना है, और चारों तरफ मैं उसका जगह को एक्सप्लोर करूंगा। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, मैं वहां पर जा रहा हूं, फिर वहां पर आपको दिखाता हूं। ये मैं वो जगह पहुंच गया हूं। ये जो रोड आ रहा है पूजा मसाला की तरफ आ रहा है, और ये जो रोड है ये सिलाल चौक से आ रहा है, और ये रहा आपका गेट, जो नया डीडीए का हाउसिंग बना है उसका गेट है। जैसे आप गेट के अंदर जाओगे, ये गाइड मैप आपको मिलेगा एक, और ये है फ्लोर प्लान, लिविंग रूम, दो बेडरूम, दो एक लिविंग रूम, एक बेडरूम, एक किचन, टॉयलेट, बाथरूम। जैसे आप गेट से सीधा जाओगे तो ये रहा सोसाइटी का, देखने में कुछ लुक ऐसा रहेगा। यहाँ पर टावर में ए से ई तक टावर है। ये रहा मेन गेट, ये मेन गेट से आप ये रहा लेफ्ट साइड में भी कुछ टावर है, राइट साइड में भी कुछ टावर है, और जब सीधा जाओगे वहाँ पर ई ब्लॉक वाला टावर है। ये हर टावर के नीचे आपको पार्किंग मिलेगा। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये रहा पार्किंग एरिया। ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पर जनरेटर भी लगा हुआ है। ये पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, क्योंकि पूरे टावर लेके पार्किंग बनाई इन्होंने फर्स्ट फ्लोर में, तो ये सही है टू व्हीलर फोर व्हीलर के लिए, ये पार्किंग की जगह सही है। ये मैं लेफ्ट साइड में जा रहा था, लेफ्ट साइड में देखिए किसी का शायद घर मिला, वो उन्होंने पूजा कराया होगा। ये सामने मदर डेयरी जो सिलाल चौक का मदर डेयरी है वो। अच्छा, हर प्लाट यहाँ पर 3 या 4 ऐसे छोटे छोटे पार्क भी होंगे। अभी ये पार्क मैं दिखा रहा हूँ आपको, चारों तरफ से सोसाइटी देखिए, नीचे पार्किंग और ऊपर घर है, और ये पार्क है। ये शायद 3 या 4 पार्क है इस पूरे सोसाइटी के अंदर। ये देखिए कॉरिडोर से ये है आपका स्टार्टिंग वाला लिविंग रूम। ये है रूम दिखा रहा हूँ, ये है लिविंग रूम। ये खिड़की दिया हुआ है लिविंग रूम में, एक लिविंग रूम से सीधे स्ट्रेट में ये है आपका किचन एरिया। किचन में बेसिन भी है, किचन में एक विंडो भी दिया हुआ है इन्होंने। किचन, ये है टॉयलेट, इंडियन टॉयलेट दिए हैं इन्होंने हर इसमें, और ये है बाथरूम। टॉयलेट और बाथरूम दोनों सेपरेट है, अलग अलग है, और एक बाहर बेसिन है। ये रहा एक हाथ धोने का बेसिन दिया हुआ है, और बेसिन के बगल में और एक बेडरूम दिया हुआ है इन्होंने। ये रहा बेडरूम, बेडरूम के साथ एक बैल्कनी भी है और एक विंडो भी है। ये रहा बेडरूम, ये मैं आपको बैल्कनी एरिया में ले जा रहा हूँ। ये रहा बैल्कनी, ये बैल्कनी एरिया। ये मैं ए टावर के फर्स्ट फ्लोर में गया था, ये दिख रहा है। ये सामने देखिए और भी टावर है। ये मैं बैल्कनी से रूम दिखा रहा हूँ आपको, ये थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कितना बड़ा रूम है ये। ये रहा एक साइड किचन, सॉरी एक साइड टॉयलेट, एक साइड बाथरूम, और ये है लिविंग रूम, और ये एंट्रेंस। ये रहा ये एंट्रेंस, और ये बाथरूम, ये टॉयलेट, ये बाथरूम, और ये बेडरूम, और ये किचन।
इस टाइप से आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दिया, और ये मैं कॉरिडोर में फिर से आ गया, वो अंदर उधर से मैं आया था और इस रूम को देखा। अब ये देखिए सीधा कॉरिडोर स्ट्रेट चला गया और दोनों साइड आपको घर मिले, दोनों साइड आपको घर मिलेगा। ये दोनों डोर एंट्रेंस डोर दोनों साइड का एक साथ ही है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों। ये एक साफ्ट एरिया है, ये देखिए ये कॉरिडोर में मैं जा रहा हूँ। ये लिफ्ट एरिया है, इन्होंने लिफ्ट भी दिया हुआ है क्योंकि ये 14 फ्लोर तक है। ये लिफ्ट एरिया है, दो लिफ्ट है इनका, और लिफ्ट एरिया के साथ ही इन्होंने स्टेयर दिया हुआ। ऊपर भी जा सकते हो आप, नीचे भी जा सकते हो। ये उस टाइम मैं लेफ्ट साइड का घर दिखाया था, अब मैं राइट साइड का घर दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये है राइट साइड वाला घर, ये है लिविंग रूम। दोनों घर में अच्छा खासा रोशनी आ रहा था, लाइट अभी तो लाइट का कनेक्शन भी नहीं हुआ इसमें, और मैं विदाउट लाइट में सूरज की रोशनी में दिखा रहा हूँ। ये है किचन, दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों में अच्छा खासा रोशनी आ रहा था, सूरज की रोशनी। ये बेसिन किचन के साथ, ये विंडो दिया हुआ है इन्होंने। और ये टॉयलेट, हर हर रूम में, हर घर में इंडियन टॉयलेट दिया हुआ है। ये बाथरूम, और बाथरूम के साथ ये बेसिन, और ये है बेडरूम, बेडरूम के साथ एक विंडो और एक बालकनी। ये बालकनी है, ये बालकनी, और वो सामने से मैं एंटर किया था, वो सोसाइटी के अंदर आने का रास्ता है। चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ है सोसाइटी। ये बैल्कनी से मैं दिखा रहा हूं आपको अभी घर। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का स्पेस और डिजाइन दोनों का सेम है, और दोनों में अच्छा खासा रोशनी आ रहा है, सूरज की रोशनी। फिर से मैं कॉरिडोर में आ गया, ये रहा कॉरिडोर, ये है स्टेयर ऊपर जाने के लिए। हम लोग ऊपर तक गए थे, ऊपर से भी आपको दिखाऊंगा। अभी तो लिफ्ट स्टार्ट नहीं हुआ, हम लोग ने स्टेयर कैसे ऊपर गए थे 14 फ्लोर तक। ये रहा, मैं ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ, ये एकदम टॉप से आपको दिखा रहा हूँ। इस टाइप से सबका अलग टंकी लगा हुआ है, और ये सामने सोसाइटी गोविंदपुरी है। ये देखिए कॉरिडोर, मैं कॉरिडोर के ऑपोजिट ऑपोजिट साइड में आ गया, जहाँ से मैं स्टेयर के से ऊपर आया था उसके उल्टे हाथ में आ गया। इस साइड से आपको ये रहा, ब्लॉक बी में आया था मैंने, बी बी ब्लॉक में। ये बैक साइड है जहां से आया था मैं, वो एकदम स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है, वहां से मैं आया था। और ये मैं बाहर से दिखा रहा हूँ आपको, ये लेफ्ट साइड है, ये एकदम बैक का बैक साइड है सोसाइटी का, एकदम बैक जहाँ जेनरेटर और कुछ रखा हुआ। ये बाहर से मैं आपको ये सोसाइटी दिखा रहा हूँ, ये बाहर से पूरे सोसाइटी को दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड ये था दिल्ली के झुग्गियों का नया चेहरा और नया रूप, आप जो भी कह लीजिए। तो ये था, मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को दिखाऊंगा वो रूप वो चेहरा, तो ये मैं आज इसीलिए ये वीडियो बनाया। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा होगा। थैंक यू।